नमस्कार आदाब भाई, रूबरू आते हैं सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर। हम आपको बता दें, समाज सेवा के लिए विभिन्न संगठन आगे आते रहते हैं, लेकिन भारत विकास परिषद शक्ति के प्रथम दायित्व बोध समारोह का भी आयोजन विगत रात्रि किया गया। मन में जज्बा यही था कि किस प्रकार अपनी सांस्कृतिक धरोहर बचाए रखें, अपने परिवारों के बीच सामंजस्य स्थापित करें और उसके साथ साथ किस प्रकार हम समाज की सच्ची सेवा करें। तो ख़ास तौर से भारत विकास परिषद शक्ति के प्रथम दायित्व बोध का जो समारोह था, बड़े हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रोफेसर आर के सिंह मुख्य अतिथि थे, उन्होंने बड़ा ही अच्छा संदेश दिया। क्या कहा, आइए सुने उन्हीं की जबानी। विकास परिषद के सदस्य हो सकते हैं और यह संगठन जो है अराजनैतिक है, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। पारिवारिक संगठन है, सांस्कृतिक संगठन है। तो इस तरीके से हम अपने सदस्यों के माध्यम से समाज में वंचित वर्ग की सेवा तथा नवीन पीढ़ी में देशभक्ति व संस्कारों द्वारा समाज परिवर्तन के कार्य में संलग्न है। मैं बार बार कहता हूँ कि प्रभु ने हमको जो है कहीं ना कहीं इस स्तर पे खड़ा किया है कि आज हम दे पाने की स्थिति में है। अदरवाइज आज हम भी नीचे खड़े होकर आपके इंतजार कर रहे थे, हाथ फैला रहे होते कि आप निकले के 2 रुपए 5 रुपए दे के जाएंगे। अगर प्रभु ने, मैं हम एक बात ये भी कहता हूँ कि प्रभु ने जो है अगर कष्ट दिया है तो उसका निवारण भी सोचा है कि कष्ट के साथ आपका परिवार जुड़ा हुआ है और उस परिवार में उन बच्चों का जो है साथ है, आपके परिवार का साथ है। तो उन्होंने हम जैसे कुछ समृद्धशाली आर्थिक स्थिति में ऐसे श्रेष्ठ लोगों का भी बनाया है जो इस तरीके के परिवार को अपना आर्थिक सहयोग, अपना शारीरिक सहयोग देकर उस परिवार को उठाने का कार्य करते हैं। भारत विकास परिषद की स्थापना डॉक्टर सूरज प्रकाश जी के द्वारा 10 जुलाई 1963 में हुई थी, जो वर्तमान में ये पूरे देश में 1433 शाखाओं के माध्यम से 156,346 सदस्यों वाला अद्वितीय संगठन आधारित है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग और इसमें नए लोगों को जोड़ेंगे, जैसे आज भाई साहब ने एक नई शाखा को जोड़ा है, ऐसे हम लोगों ने भी हम प्रयास करते हैं और संगठन को जोड़ते हैं। तो जब आप किसी नए मेंबर को समझाने जाएं कि भाई 6,000 रुपए फीस है तो पूछते हैं क्या क्या। इस समारोह में नए सदस्यों को जोड़ा गया, सदस्यता प्रदान की गई और प्रांतीय उपाध्यक्ष संदीप जैन, प्रांतीय वह सचिव शशिकांत मित्तल, प्रांतीय महिला संयोजक श्रीमती रेणु कंसल तथा भारत विकास परिषद के पदाधिकारी सभी उपस्थित रहे और चेयरमैन शाखा सदस्य विशाल शर्मा भी यहां पर मौजूद थे। सभी का उद्देश्य यही था कि किस प्रकार समाज की सेवा करें, संगठन को मजबूत बनाएं। सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई और खास उद्घाटन हुआ उसके लिए मैं हृदय से आपकी कराई होते सभी को आपको नमन करता हूँ, क्योंकि इस शाखा को तैयार किया है और ये आपकी बहुत बहुत बधाई। भारत विकास परिषद जो है, परिषद के नाम से जाना जाता है, इसमें सभी हस्बैंड वाइफ और बच्चे जब तक शादीशुदा नहीं हो रखे जब तक वो शाखा में दो सदस्यों का नाम आया है। एक है मुकेश नंदिनी जी, मैं उनसे यहाँ पर किस प्रकार यहाँ पर सदस्यों को सम्मानित किया गया है उनके अच्छे कार्यों के लिए और लक्ष्य के लिए देख सकते हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं पूरे 17 आपके साथ जोड़ दे रहा हूँ, फिर भी फ्री में कोचिंग दे सकते हैं, कोई भी इस तरीके के कार्य करें, सेवा के कार्य हमारा भी करने का उद्देश्य रहेगा, हम सेवा के कार्य करें। एक हम भेक जी से मेरा अनुरोध रहेगा कि आप खुद एक एडवोकेट हैं, एक हमारा AOP का चलता है भारत विकास परिषद का, वो भी हम एक अपना बना के पैन नंबर ले लें जिससे हम अपना बैंक अकाउंट खुलवा लें और जितना भी लेन देन करें हम वो बैंक के द्वारा। भारत विकास परिषद के पदाधिकारियों ने जो कि प्रथम दायित्व बोध कराया है और उन्होंने यहां पर चेक दिया, चार्टर दिया, आप देख सकते हो तस्वीरें। इसके अलावा गुड कवरेज के लिए विभिन्न उपलब्धियों के लिए बारो बेंच के चीफ एडिटर आरिफ शीश महली को भी यहां पर सम्मानित किया गया। वरिष्ठ पत्रकार के सहयोग से भी संजय, आप देख सकते हैं, अग्रवाल यहां पर मौजूद हैं और प्रोफेसर आर के सिंह तथा पदाधिकारी सभी मौजूद थे और उन्हें सम्मानित
किया है। इसके साथ साथ रंगारंग कार्यक्रम का भी यहाँ पर आयोजन हुआ। क्या कहा है पदाधिकारियों ने, आइए जीरो ग्राउंड से खास सबसे बड़ा है और खास तौर से मैं आपको लगातार वो कार्यक्रम दिखाता हूँ। भारत विकास परिषद, चाहे शक्ति का प्रोग्राम हो या दूसरी भी संस्थाएं जो बनी हैं, आज भी भारत विकास परिषद शक्ति का एक कार्यक्रम हुआ था। मकसद सिर्फ यही है, न सिर्फ अपनों को जोड़ना बल्कि समाज में जो छिपी हुई कुरूतियाँ हैं उनको भी दूर करना और समाज में कैसे जागरूकता लाएं उसके ऊपर भी कार्य होता है। इसके साथ साथ किस तरह से हम मददगार बने, अभी मैं आपको लाइव भी दिखा रहा था, कुछ चीज़ देख रहे थे, प्रोफेसर आर के सिंह ने बहुत बड़ी बात कही थी कि किस प्रकार हम किसी भी असहाय और गरीब की बच्चों की शादी भी करते हैं और उनको दहेज का सामान भी देते हैं। बहुत बड़ी बात है। आज यहाँ के चेयरमैन से सीधा रूप कराएंगे कि मुजफ्फरनगर से क्या निकली है इस भारत विकास परिषद शक्ति का जो कर्तव्य है और आज दायित्व बोध क्या कराया गया। सुन जी, विशाल शर्मा जी, विशाल जी बताइएगा किस कब से आप इससे जुड़े हैं, पहले तो मैं सर मैं 2 साल से जो है मैं भारत विकास परिषद से जुड़ा हुआ हूँ और मैं समृद्धि शाखा में सदस्य था, अभी भी हूँ। और समृद्धि शाखा ने एक नई शाखा जो है प्रांतीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जी के कहने पर एक नई शाखा का उद्घाटन किया है और उसका नाम हमने भारत विकास परिषद शक्ति शाखा रखा है। यही आज और उसका आज प्रथम अधिष्ठापन समारोह था और उसमें ही अध्यक्ष द्वारा चार्टर प्रदान किया गया। क्या रहेगी आपकी अब आगामी सेवाएं खासतौर से समाज के लिए? हमारी समाज के लिए भारत विकास परिषद का जो मेन 5 सूत्र है, संपर्क, सहयोग, सेवा, समर्पण और आपका संस्कार, ये सब इन पर ही हमारा काम करना हमारा मेन उद्देश्य रहेगा, जिसमें हम अपने साथ जो है लोगों को उसके सेवा का भी भाव हमारा रहेगा। इसमें भी जैसे हम लोग गरीब गरीब कन्या का विवाह और जो भी अपाहिज जो भी हैं उन लोगों के लिए भी भारत विकास परिषद अलग अलग उसमें जो है सेवा करता है और उनको जो है जो भी उनकी जरूरत का सामान होता है वो उपलब्ध कराता है। इसके अलावा अलग अलग स्वावलंबन के लिए भी अलग अलग योजनाएँ जो है भारत विकास परिषद की ऑल ओवर इंडिया चल रही है। अनिमेश बिंदल जी मेरे साथ जुड़ेंगे, वे सचिव हैं मैं मोहित कुमार सिंगल भारत विकास शक्ति शाखा का अध्यक्ष हूँ और जो भी समाज की सेवा के लिए कार्य होंगे वे जरूर करेंगे और जो हमारी शाखा के उद्देश्य हैं वे पूरे करेंगे, प्रयास करेंगे, अपने सभी मेंबर साथ लेके इसमें सहयोग करेंगे तो सभी हमारे कार्य पूरे होंगे। इन सभी शाखाओं को साथ जोड़ने वाले और एक कड़ी और रीढ़ भी माने जा रहे हैं जनपद मुजफ्फरनगर में प्रोफेसर आर के सिंह जी जो चेयरमैन है, जानना चाहूँगा स्वागत है सर आपका। बहुत कुछ काफी संगठन को आपने जोड़ दिया है, अब आगे क्या क्या तैयारियां? भारत विकास परिषद मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि अराजनीतिक सामाजिक पारिवारिक सांस्कृतिक संगठन है जिसमें हम अपने सदस्यों के माध्यम से वंचित वर्ग की सेवा भी करते हैं और साथ ही आज सभी को जो संस्कार में बच्चों के संस्कार में कहीं कमी दिखती है तो उस कुरीति को दूर करने का और अच्छे संस्कार परिवारक कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए हम लोगों को जोड़ते हैं और जोड़ के एक शाखा हमारे जिले में ये 14वीं शाखा है, नई शाखा में जो खुल रही है मुजफ्फरनगर जिले में 2 नई शाखा खुली, एक नारायण विशेष आज खुल रही है, एक मीरापुर जल्दी खुल रही है और जबकि आपके पूरे प्रांत में ये 52 जी। शुभ नाम संदीप जैन, मैं प्रांतीय उपाध्यक्ष हूँ। संस्कार आज हमने एक नई शाखा खोली है भारत विकास परिषद शक्ति के नाम से और जिसमें हम सभी सेवा के कार्य करेंगे और हमारा विशेष सहयोग रहेगा क्योंकि शाखा में हमारे प्रोफेसर्स टीचर्स बहुत हैं तो हम निर्धन बच्चों को पढ़ाएं, उन्हें स्वावलंबन बनाएं और जो गरीब परिवार हैं उन्हें उठाएं और उन्हें अपना कमाने लायक रोजगार दें, ये हमारा मेन लक्ष्य रहेगा। सबसे बड़ी बात खास तौर से भारत विकास परिषद की कि निर्धन असहाय बच्चों को शिक्षित किया जाएगा क्योंकि यदि शिक्षित होंगे तो समाज शिक्षित होगा और जब समाज हमारा शिक्षित होगा तो देश यकीनन सर्वशक्तिशाली भी होगा। जानना चाहेंगे सर बताएंगे कुछ जी और शाखा का उद्देश्य यही है कि देश के विकास में खड़ी योगदान है और जो हमारे निर्धन स्वावलंबी बनाए तो बहुत बड़ी बात। खास तौर से पदाधिकारियों द्वारा आइए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं कि
कम से कम अपने समाज के प्रति हमको एकजुट होना पड़ेगा, ऐसे कार्य करने पड़ेंगे जो परोपकार से जुड़े हुए हों। वृक्षारोपण भी शायद आप लोग कराते हैं, वृक्षारोपण का आज संदेश मुख्यमंत्री जी ने दिया है और आज खासतौर से अरविंद जी ने बहुत बड़ा वृक्षारोपण का काम अपने यहाँ भी कराया है। कहाँ कहाँ आपने किया है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री जी ने तो करोड़ों की संख्या पहुँचा दी है संख्या। आज एक रोटरी क्लब मुजफ्फरनगर सखी है जो कि लेडीज़ का क्लब है और उन्होंने आज शाहपुर कन्या इंटर कॉलेज में व्रत वृक्षारोपण किया है वहाँ के नक्षत्र वाटिका का, और ये संदेश दिया है कि सभी जगह के गांव हो चाहे शहर हो वृक्षों का लगाना चाहिए और उनका संरक्षण भी करना चाहिए। तो यही संदेश जो आज सीधा मैं आपको दिन भर दिखा रहा था शुक्रवार से शुक्रवार से कि किस तरह से वृक्षों का संरक्षण करना चाहिए, उनको विरासत के रूप में देखना चाहिए और कहीं ना कहीं इसी तरह भारत विकास परिषद जो कि जनपद मुजफ्फरनगर सहित और दूसरे जनपद के अंदर अपना जो सेवाएँ दे रही हैं वो उसके बढ़ते कदम है। बहरहाल आगे की और बड़े किसी कार्यक्रम के लिए भी मैं आपको रूबरू कराऊंगा, इससे पहले एक और पदाधिकारी और सुनना। मैं डॉक्टर प्रवेश कुमार जी भारत विकास परिषद समृद्धि शाखा का सदस्य। भारत विकास परिषद समाज सेवा का एक बहुत ही उत्कृष्ट मंच है जो हमें समाज सेवा के विभिन्न कार्य करने के लिए एक उत्तम मंच प्रदान करता है। इसमें ब्लड डोनेशन कैंप, वृक्षारोपण, गरीब कन्या की शादी आदि काम करने के लिए हमें बहुत सहयोग सदस्यों का मिलता है जिसके लिए हम सदैव समाज सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। तो शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो सबकी ओर पूरे इनके सदस्य काम कर रहे हैं जिसकी बेहद ज़रूरत है। बने रहिएगा और बड़ी खबर के लिए, लेकिन क्योंकि महिला सदस्य है और खासतौर से यहाँ पर कोई पदाधिकारी भी मेरे साथ नहीं जुड़ पाए थे, जानना चाहेंगे योर गुड नेम। जी आप किस पद पर है? महिला जी जी महिलाओं को जोड़ लिया है, क्या ऐसी कुछ समस्याएं आती हैं महिलाओं के सामने जो जिसकी बहुत ज़रूरत थी आपने उसके लिए काम करेंगे आप? सर प्रॉब्लम्स तो काफ़ी सारी हैं, आप उनके लिए जो है धीरे धीरे सब सामने आएंगी तो हम उनके लिए जरूर कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। मौजूदा सरकार में बहन बेटी की सुरक्षा के बारे में जानना चाहूँगा, कितनी सुरक्षित हैं महिलाएं? तो सुरक्षित भी हैं और नहीं भी, दोनों ही बातें हैं। अभी और काम की जरूरत है, लॉ एंड ऑर्डर और मजबूत होना चाहिए। आप खास तौर से निर्धन जो खास तौर से काम करने वाली महिलाएं भी आती हैं घरों में, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे उनके उद्धार के लिए? सर मेरे यहाँ भी मेड है तो मैं उनके लिए बहुत सपोर्टिव हूँ, तो उनसे कुछ ना कुछ जो भी कहते हैं तो मैं कैसा रवैया होना चाहिए उनके प्रति, कैसा रवैया होना चाहिए? बहुत बड़ी बात है कि अक्सर हम लोगों के यहाँ पर झाड़ू पोछा करने वाले वो मेड होते हैं, काम करते हैं, लेकिन हमारा भी दायित्व है कि उनकी ओर भी देखें और उनके साथ एक अच्छा माहौल बनाकर काम करें, तभी तो समाज सुरक्षित भी होगा और शक्तिशाली भी होगा। बने रहेगा मेरे साथ आरिफ इस्माइली, चीफ एडिटर बारोर बैंक, न्यूज़ इन टुडे लखनऊ, मुजफ्फरनगर। इसके अलावा ये सामाजिक कार्यक्रम तब यादगार बन गया जब देख सकते हैं कि किस तरह से पारिवारिक एकता, सौहार्द और प्रेम की झलक। उसके साथ साथ यहाँ पर छोटी बच्चों ने भी अपनी सुंदर प्रस्तुति दी, एक से एक बढ़कर प्रस्तुति देकर कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए गए। ये सदस्यों के परिवार थे और उन्होंने ही अपने रंग रंग कार्यक्रम से इसे यादगार बनाया। सांस्कृतिक पारिवारिक संस्कारिक खास तौर से पूरी तरह से समाज को समर्पित ये समारोह यादगार साबित हुआ और देख सकते हैं किस प्रकार सुंदर नृत्य तथा आपसी प्रेम और सौहार्द का संदेश देते हुए कार्यक्रम का समापन हुआ। बने रहिएगा और बड़े खबर के लिए मेरे साथ आरिफ इस्माइली, चीफ एडिटर बार और बेंच एंड न्यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर। देखते रहिएगा अपना पसंदीदा चैनल बार और बेंच लाइव न्यूज़ चैनल।